बस्तर में चार दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। नदी नाले उफान पर चल रहे हैं। वहीं जगदलपुर के पुराने पुल की बात करें तो पुराना पुल भी पूरी तरह से भर चुका है। पुल के ऊपर पानी बह रहा है, उसके बाद भी लोग जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं। प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं होने से लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। हालांकि जगदलपुर के तहसीलदार मौके पर पहुंचकर आवाजाही को बंद कराने में लगे हुए हैं। इसके अलावा गोरिया बाहर नाला भी पूरी तरह से डूब चुका है, जिससे आसपास के चार पांच गांव का संपर्क शहर से टूट चुका है। इधर प्रशासन के अधिकारी बाढ़ की हालत को देखते हुए निचली बस्ती में रहने वाले लोगों को सुरक्षित पहुंचाने के इंतजाम भी कर चुके हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पानी का जलस्तर इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि पानी पुल के ऊपर से होकर गुजर रहा है, और ऐसे में लोग अपनी जान जोखिम में डालकर पुल से आवाजाही कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन के कोई भी अधिकारी वहां पर ना मौजूद होने की वजह से लोगों को किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं की जा रही, और जिस वजह से लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार करने को मजबूर हैं। जो लगातार पिछले 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही है लगातार, उसमें इंद्रावती नदी जो पुराना पुल भी सबसे पहले भरता है, जिला प्रशासन SDRF पुलिस विभाग द्वारा बनाई गई है। आज अभी सभी सब देख रहे हैं पानी का लेवल जो कि पुराने अभी कुछ ही है ना, 2-4 इंच ऊपर अभी उठा है पानी, लेकिन अभी खतरे के निशान से अब यहाँ पे जो आवाजाही को पूरी तरह से यहाँ बंद कराया जा रहा है। यहाँ पर पुलिस जवान SDRF है, इनको भी